हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फूडीज कैसल। चलिए आज बनाते हैं एक ऐसा केक जिसे हर कोई बना पाएगा। चाहे आप पहली बार ही क्यों ना केक बना रहे हो, आप एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक बना लेंगे, वो भी एक ही बारी में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक मिक्सिंग जार में लेंगे 1 कप सूजी और 1/3 कप चीनी का पाउडर। अगर चीनी का पाउडर ना हो तो आप यहाँ पर चीनी भी ले सकते हैं। फिर एक बोल में लेंगे उसी कप का 1 कप दही और 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल। अगर आपके पास कप ना हो तो आप एक कटोरी ले लें और उसी से सारा मेजरमेंट करें। इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अभी जो मिक्सचर हमने बनाया था उसे थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। एक ही बारी में पूरा पाउडर ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके इसे डालते जाएं। केक बनाने के लिए सारे सामान का मेजरमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं आपको जैसे दिखा रही हूँ आप बिल्कुल ही वैसे मेजरमेंट लें। अगर आपको डबल लेना है तो आप सभी चीज़ों को डबल लें। इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके सारा पाउडर डालेंगे और अच्छी तरह से इसे मिला लेंगे। मिलाकर इसे थोड़ी देर कवर करके रख देंगे। यहाँ पे हम केक ओवन में नहीं कढ़ाई में बनाएंगे, तो पहले कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसके ऊपर एक स्टैंड लगाकर इसको कवर करके प्री हीट करने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट तक इसे ऐसे प्री हीट होने देंगे। फिर केक टिन लेंगे। अगर आपके पास केक टिन ना हो तो आप सिल्वर या फिर स्टील का कोई भी टिफ़िन ले सकते हैं या फिर कोई कटोरी भी ले सकते हैं। इसमें अच्छी तरह से चारों तरफ ऑयल ब्रश कर लेंगे। अब इसके ऊपर एक बटर पेपर रख देंगे। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप थोड़ा सा फ्लोर ले लें और उसे अच्छी तरह से चारों तरफ छिड़क लें। इससे भी केक आसानी से निकल आएगा। अभी केक टिन को साइड करेंगे और जो हमने केक का बैटर बनाया था उसे देख लेंगे। सूजी फूलने की वजह से ये थोड़ा गाढ़ा हो गया है, तो इसमें थोड़ा सा दूध मिलाएंगे और इसे एकदम रिबन कंसिस्टेंसी की बना लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच वेनिला एसेंस। आप यहाँ पे इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे पूरे बैटर में। फिर इसमें डालेंगे टूटी फ्रूटी। आप यहाँ पे ड्राई नट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर 1 पैकेट इनो को इसमें डालेंगे। इसे एक्टिवेट करने के लिए हल्का सा 1 चम्मच जितना दूध इसमें डालेंगे और इसे अच्छी तरह से जल्दी जल्दी मिला लेंगे और इसे मिलाने के बाद तुरंत केक टिन में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब जो भी बर्तन ले रहे हैं ध्यान रखिए इसे पूरा फिल ना करें, क्योंकि केक फूलता भी है, तो आप इसमें थोड़ा सा जगह रखें। इसके ऊपर से थोड़ी सी टूटी फ्रूटी डाल देंगे। बेहतर होगा आप टूटी फ्रूटी को थोड़े से मैदे में कोट करके डालें, इसमें ये केक में बराबर स्प्रेड होके रहेंगे। अब इसे टैप करेंगे हल्का सा और जो ओवन हमने जुगाड़ करा था उसके अंदर इसे रख देंगे। इसे अब अच्छी तरह से कवर कर देंगे सावधानी से, क्योंकि ये गर्म होता है पहले से बहुत ज़्यादा। और इस बात का भी ध्यान रखें कि अच्छे से कवर हो और इसका वेपर बिल्कुल भी बाहर ना निकले। अब इसे मीडियम फ्लेम में 30 से 35 मिनट तक बेक होने देंगे। 35 मिनट हो गए हैं, अब हम इसे चेक कर लेते हैं कि केक अच्छे से पका है कि नहीं। तो एक टूथपिक डाल के इसे चेक कर ले, अगर ये क्लीन निकला तो केक बिल्कुल रेडी है। अब इसे ठंडा होने के बाद बाहर ले आए और इसी तरह से चाकू की मदद से इसे चारों तरफ से स्क्रैच करते जाएं। और फिर एक प्लेट ले और प्लेट को इस केक टिन के ऊपर रख के केक टिन को उठा दें, तो देखिए कितनी आसानी से हमारा केक निकल जाएगा। अब जो बटर पेपर लगा के रखा था इसे अच्छी तरह से निकाल लेंगे और अब हम केक को पलट देंगे। आप देख रहे हैं केक कितना सॉफ्ट बना है और कितना अच्छा दिख रहा है। और यहाँ पे बिना ओवन के सूजी का एकदम नरम और सॉफ्ट केक बनकर तैयार हो चुका है। ये रेसिपी इतना आसान है, इसे एक बार ट्राई करना तो बनता है। तो आप जल्दी से इसे ट्राई करके अपना रिव्यू मेरे साथ कमेंट में शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।